नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और हमेशा से वो चर्चाओं में भी रहते हैं, इंद्रेश कुमार जी, आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई है आपको, धन्यवाद। परंतु इतना पक्का है कि आरएसएस के लोग नेता नहीं कहलाते, जो नेता कहते हैं वो अज्ञान है उनका जो कहते हैं, क्योंकि आरएसएस के अंदर सब कार्यकर्ता हैं जी। कार्य संघ में किसी को नेता शब्द नहीं है। ये इसीलिए मैंने नेता पहले जोड़ा, क्योंकि आजकल संघ जो है, जहाँ पर भी जहाँ बीजेपी की बात आती है, वहाँ संघ की नेतागिरी ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसा क्यों? हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बिल्कुल सीधा है। संघ का आदमी नेता ही नहीं है, नेतागिरी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो जो लोग इन शब्दों का उपयोग करते हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे। चलिए, आपने कहा कि उनको सद्बुद्धि दे, पर आरएसएस की दखल जो है बीजेपी में जिस प्रकार से है, एक पहलू माना जाता है कि आरएसएस मींस बीजेपी, बीजेपी मींस आरएसएस। तो आप लोगों ने जो संघ बनाया वो हिंदुत्व के लिए बोला जाता है कि हिंदुओं की संघ जो है हिंदुत्व की पार्टी है। पर आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि मुसलमानों की तरफ आपका रुख हो गया है। अचानक से संघ को कहाँ से याद आ गई कि मुसलमान भी बहुत ज़रूरी हैं? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ होने लगा? क्या राहुल गांधी की पदयात्रा से सब शुरू हुआ या उनकी पदयात्रा की घोषणा से ये शुरू हुआ? आप कह रहे हैं मुसलमानों से, मुसलमानों के साथ वार था डॉक्टर हेडगेवार के ज़माने से लेकर अब तक चलती रही है। आज मुसलमानों को ये लगा कि हमें संघ से वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि नेताओं ने और मीडिया ने संघ के बारे में हमें गलत पढ़ाया है, और इसलिए इसका इस यात्रा से लेना देना नहीं है। डायलॉग तो वर्षों से चल रहे हैं, इसलिए आप जब उसकी राहुल की यात्रा से जोड़ते हैं तो मुझे तरस आया कि आपको इतना भी ध्यान में नहीं है कि ये डायलॉग कितने वर्षों से चल रहा है, और उतने वर्षों से चल रहा है कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए, और इतना ही नहीं है, यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस रूप में हिंदुस्तान के हर नागरिक को होना चाहिए, इसलिए भारत फर्स्ट, भारत ऑलवेज, भारत लास्ट। उसके बाद हमारी जाति, दल, हमारा पंथ, मजहब, रिलीजन, हमारी भाषा बोली आती हैं। इसलिए यूनिटी फैक्टर है भारत, भारतीयता, भारतीय। तो जब इतना क्लियर है तो इसलिए गलत फहमियाँ अपनी दूर करें लोग जी। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब आपके प्रश्न की बिल्कुल आप, मैं इसलिए प्रशंसा करता चाहता था लोगों तक ये क्लियर भी हो, और मैं इसलिए प्रशंसा करता हूँ जी कि आपके कारण लोगों को ये क्लैरिटी होने में रास्ता खुलेगा जी, जी। पर फिर भी कुछ लोग भ्रमित ही रहना चाहेंगे, तो उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रश्न इसलिए सीधे होते हैं ताकि लोगों की बात जो है आप तक पहुंच पाए, क्योंकि उनके मन में ऐसे विचार उठते हैं। एक विचार और आता है संघ से जुड़े लोगों का कि संघ किसी का काम नहीं करती, संघ किसी की मदद नहीं करती इन टर्म्स ऑफ अपने सेवकों की। वो बोलते हैं सर, संघ सरकार के साथ संघ का अच्छा गठबंधन है पर हमारे काम नहीं होते, ऐसे लोगों का कहना है। जबकि आम जो और सरकारें आई, कांग्रेस आई, यूपी में सपा आई, वो अपने लोगों को स्ट्रेंथन करते हैं, और हम जो संघ के बीजेपी के द्वारा जो भी उनके लोग रहते हैं वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? लोगों का हम लोगों ने सर्वे किया तो इस तरह के प्रश्न हमारे बीच में आए। ऐसा है जी, जिस पार्टी ने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के काम करते हैं, आपने कांग्रेस का नाम लिया जी, ठीक है, पर वो वर्कर्स में भी रिजेक्ट हो गई और जनता में भी रिजेक्ट क्यों होती चली गई? एक दूसरी बात, आप जिन दलों के नाम ले लें, समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन होगी, आप पार्टी होगी, कहीं पर राष्ट्रीय पार्टी होगी, टीएमसी होगी, ये अपने अपने एक एक राज्य से बाहर फल फूल नहीं सकी। दे हैव ए गुड इमेज और दे हैव ए अदरवाइज द इमेज, ये तो उनको सोचना होगा। इसलिए संघ स्वार्थों पर के पोषण पर से नहीं चलता है, परंतु समाज में गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल होगा, उन सबको सेवा कार्य, आज लाख डेढ़ लाख से अधिक सेवा कार्य संघ के चलते हैं, स्वयंसेवक चलाते हैं, तो उनके द्वारा
उनका सब तरह का सहयोग होता है। इसी प्रकार से और समाज के अंदर जिनके जो जायज़ काम हैं वो होने ही चाहिए, पर आपके ही प्रश्न में आया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के जायज़ नाजायज़ ढंग से सब काम करवाते हैं, तो क्या नाजायज़ काम करवाना ही देश की राजनीति है? क्या इसी को कहते हैं काम होना चाहिए? तो फिर तो इस देश के अंदर 85% करप्ट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। राजीव गांधी ने स्वयं माना जेंटली कि वो 100 भेजते हैं, 15 जनता के पास जाता है, 85 बीच में खाया बीच में खत्म हो जाता है जी। तो करप्ट गवर्नमेंट चुननी चाहिए कि नहीं चुननी चाहिए? क्या हम ये चाहते हैं कि देश में करप्ट गवर्नमेंट्स होनी चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि नाजायज़ काम होने चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि नाजायज़ तरीके से ही भारत ने चलना चाहिए? तो इसलिए संघ का तो बहुत सीधा और साफ कहना है, जो उचित है, जो योग्य है, वह सब होना ही चाहिए। एक गुड गवर्नेंस पर्सनली भी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनली भी होनी चाहिए, एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। संघ इसका विश्वासी था। मैं आपसे इसी उस पे बात करूँ, योग्यता के बेस पे होना चाहिए, ये आपका मानना है, मेरा भी मानना ही है, योग्यता के पहले देखना चाहिए। पर मैं जिस प्रांत से आता हूँ, उत्तराखंड से, हमारे जो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो मैंने भर्तियाँ की है वो मेरा अधिकार था। उस अधिकार में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद थे, काबिल थे, वो पीछे छूट गए, उन्होंने अपने अधिकार से अपने रिश्तेदार बढ़ दिए, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं तो है? तो इसका मतलब सीधे से ये हो गए जी, एक आप किसी का नाजायज़ करने को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, मैं अप्रिशिएट, मैं इसीलिए इस पे प्रश्न लाना चाह रहा हूँ कि चाहे कहीं का भी हो जी, हमारा तो बहुत साफ कहना है कि वो जो नाजायज है वो नाजायज़ है जी। पर वो अभी भी पार्टी में क्या इसका नाम मंत्री पद पे हैं, नाजायज है, वो नाजायज है पर पार्टी में। आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि सत्येंद्र जैन जो है उतना नाजायज है और वो अंदर है, उसको मंत्री पद से और उससे नहीं हटाया, अभी तक तो नहीं हटाया। आपका क्वेश्चन जो है अधूरा है। नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए आप कहते हैं, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बात हुई, कहीं सत्येंद्र जैन है, कहीं ये है, कहीं मुख्तार अंसारी है जी, तो कहीं वो विधानसभा का है, कहीं और है। तो मेरा क्या कहना है, इसलिए मैंने एक लाइन में कहा जी, संघ इसी बात में विश्वास करे। अगर आप कहेंगे कि विधानसभा के अध्यक्ष पर संघ ने टिप्पणी की तो झूठ होगा, मैंने सब पर की है, तो इसलिए यू इंक्लूड ऑल। नहीं, हम कंपैरिजन बिल्कुल दिखाते हैं और हम जनता के बिल्कुल उस जगह पर जाते हैं जहां से हमारे को प्रश्न कुछ मिलते हैं, तो वो हम आप लोगों से पूछते हैं। चलिए, आपके सफ़र जो है, आपने 10 साल की उम्र में संघ ज्वाइन किया, और मैं सबसे अच्छी बात जो मैंने आपके बारे में पढ़ी कि आपके पिता को इतनी खुशी हुई, उन्होंने ब्रह्म भोज रखा कि मेरे बेटे ने देश को चुना बजाय कि इंजीनियरिंग के। तो ये आपको कैसा लगता है उस टाइम से और अभी तक का सफ़र में आपको? ऐसा है कि मैंने 1970 में इंजीनियरिंग किया जी, और मैंने पिताजी को बताया कि मैं देश और समाज के लिए कुछ जीवन में हो सके उसके लिए समय देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत खुशी से मनाया और बड़ी धूमधाम से मुझे विदा भी किया जी। वो सफ़र अब 52 साल पूरे कर गया है, तो मुझे ये आनंद है कि हम अपने जीवन के अंदर और कुछ ना कुछ कर सकने के लायक बने। परिवार ने बनाया, समाज ने बनाया, संघ ने बनाया, ईश्वरीय कृपा और सबसे ऊपर भगवती की कृपा ने बनाया जी। तो अभी तक ये कह सकता हूँ कि लाइफ इज एन ए सक्सेसफुल स्टोरी। आप जिस प्रांत से आते हैं उस प्रांत में और आप दिल्ली में आप जब बैठते हैं, तो आपको कभी महसूस होता है कि मैं उस तरफ जाना चाहिए, मुझे वहाँ के लोग भी थोड़ा वंचित हैं, उन लोगों की भी सेवा करनी चाहिए मुझे? ऐसा है कि सारे देश में जाना चाहिए। हाँ जी, आपने मुश्किलें आती होंगी आपको काफ़ी, क्योंकि आप भांति भांति के लोग, भांति भांति की भाषाओं से जब आप बीच में जाते हो तो आपको थोड़ा मुश्किल भी आती होंगी इस तरह की? ऐसा है कि साधारणतया अंडरस्टैंडिंग हिंदी में हो जाती है, थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द भी बोलने से हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी उस भाषा का कोई 2-4 शब्द बोलने से भी हो जाती है, क्योंकि हमारा देश और समाज मल्टी लिंग्विस्टिक है,
और रहेगा सदा, और ये कोई खराबी नहीं है। इसलिए बहुभाषी हैं तो भी भाव से समझना भी जानते हैं, इसलिए भाव से समझाते हैं। बिना भाषा के भी संवाद होता है, भावनाओं से भी संवाद होता है, मूक संवाद भी होता है, परंतु भावना अगर अच्छी रही तो कभी भी इस बात का संकट नहीं खड़ा होता है कि संवादहीनता आए, और संवाद नहीं हो पाने के कारण काम ना हो सके, समझ ना हो सके। तो आपने इतनी शालीनता से और इतने अच्छे से आपने जब बताया कि मतलब संवाद का, और सही में मतलब एक तो संघ में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, सभी भाई साहब रहते हैं, तो इसके पीछे का राज भी बता दीजिए कि क्यों भाई साहब ही क्यों रहते हैं सब। ऐसा है कि भाई और बहन यह ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है, क्योंकि कौन तय करता है कि भाई बहन हो गए, तो ईश्वर तय करता है, तो हम चार लोग भाई बहन हो जाते हैं। इसी का एक्सटेंशन कर दिया जाए जिसको वर्ल्ड ब्रदरहुडनेस वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, वो बनता है। तो कहते हैं कि दो रिश्ते हमेशा जीने का अगर स्वभाव बन जाए तो बेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो जाता है, भाई बहन का रिश्ता, और इस रिश्ते को फैलाते चले जाए जी जी, तो दुनिया युद्ध मुक्त हो सकती है, दंगा मुक्त हो सकती है, अपराध मुक्त हो सकती है, शोषण मुक्त हो सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है। तो भाई साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज देश के अंदर एक अजीब से लहर दिखाई देती है, सुनाई देती होगी आपको, कि दो भागों में कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं आप हर तरह से कि हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे, और आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे नीचे, कंबल वितरण का काम जो चल रहा था नीचे, आप मानवता दिखाई दे रही थी वहाँ पर दुनिया का मतलब देश का मुसलमान डरा हुआ पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है, इसके इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो मेरा लाखों लाख मुसलमानों से डायलॉग हुआ जी, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर और मणिपुर असम तक, इतना नहीं है, बीच में नेपाल भूटान थोड़ा बांग्लादेश पाकिस्तान, इनका भी कभी मुसलमान आते जाते मिला होगा, और लोग मेरा ईसाइयों से भी डायलॉग हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी पर्सनल लाइफ में हमें कहीं भय नज़र नहीं आता, पर हमें बताया जाता है दिन रात करके कि RSS आपको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, और जब सोचते हैं ख़त्म तो नहीं किया, पर ये भी यही पढ़ाया जाता है, पर देश में एक अजीब सा बताया, एक वातावरण बना दिया गया जी, वातावरण बनता है, और उस भय में से उन्होंने हमें वोट बना लिया है, इंसान से हटा दिया है जी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां वो हमें वोट मांगती हैं, यानी VRN कमोडिटी, और संघ को इसीलिए आज इन सब में एक लहर चली है, डायलॉग डायरेक्टली विद RSS, ताकि सीधा रिश्ता बने। इसलिए आप देखेंगे कि लाखों मुसलमान, हजारों हजार से बढ़कर आगे ईसाई, लाखों में बौद्ध, जैसे जैसे इंटरेक्शन में आए हैं तो उनको ध्यान में आया है कि जो बताया गया, जो हमें भय दिखाया गया, उस वो सत्य नहीं है। अब जैसे भय दिखाया गया था अटल जी के समय में भी दिखाया था, आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, नो प्रॉब्लम, फिर मोदी के समय में तो और भय दिखाया गया, बुलडोजिंग होगी, फलाना होगा, बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी, किसी को काम पर नहीं। उनको ध्यान में आया कि जितनी वेलफेयर स्कीम्स हमें मिली हैं गरीबों को, तो उतनी तो किसी भी सरकार ने नहीं दी, इसलिए ये एक सत्य है कि उनके अंदर भय पैदा करने की कोशिश आज भी लगातार चल रही है, क्योंकि भय से वो भटक कर इधर जुड़ेंगे नहीं, और उनकी मजबूरी रहेगी कि वो वोट पॉलिटिक्स में बना रहे। परंतु एक प्रश्न जो बहुत संजीदगी से पूछा जाता है, जितने भी दल उनको अपना बेनिफिशियरी मानते हैं कि ये माइनॉरिटीज हितैषी हैं, विशेष रूप से मुसलमानों वगैरह के, आखिरकार इतने साल में भी मुसलमान गरीब क्यों, पिछड़ा क्यों, अनपढ़ क्यों, अपराध में क्यों, जलालत में क्यों, हाशिए पर क्यों, मुख्य धारा में क्यों नहीं, मुख्य धारा में क्यों, बिल्कुल। तो इसलिए आज मुसलमान इस बात को सोचने लगा है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ कार्यक्रम के अंदर कितनी बड़ी संख्या में मुसलमान प्रोफेसर भी थे, एडवोकेट्स भी थे, टीचर्स भी थे, व्यापारी भी थे,
उनके परिवारों में से जो गरीब परिवार हैं वो ज़रूरतमंद वो आए भी थे, परंतु ये सो होमली एटमोसफियर वो था, तो एक वो उसमें से उनको धीरे धीरे एक समझ बढ़ रही है। मुझे ये लगता है कि इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है, नॉट कन्वर्शन बट रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स बट नॉट फियर एनी क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि लव फॉर ऑल जी, और देश प्रथम है, और कहीं ना कहीं वातावरण ये बनना चाहिए कि हर संस्था जी कम से कम अब आज किसी ना किसी भाषा में अपने देश के जिंदाबाद की आदत हर संस्था के अंदर होनी चाहिए। मैं वही कह रहा, देश की आज़ादी में जितना हिंदुओं का रोल था उतना मुसलमानों का भी रहा, पर हमारा देश आज रंगों में बंटता जा रहा है। मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और वैसे टीवी चैनल्स पे डिबेट्स हो रही हैं कलर के ऊपर कि केसरी रंग तुम्हारा है तो हरा रंग हमारा है, तो इस पे आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। हमारा कहना है कि जितने भी रंग हैं जी सब ईश्वर की विधा से हैं, ऑल कलर्स बिलोंग्स टू द ब्यूटी, ऑल कलर बिलोंग्स टू द फ्रेगनेंस। आप मुझे बताइए हर आदमी की जिंदगी में कौन से रंग का कपड़ा वो नहीं पहनता है जी, जो हरे को नीले को सफ़ेद को भगवे को बांटते भी होंगे वो भी सब तरह के रंग पहनते हैं घरों के अंदर, तो वहाँ क्यों नहीं चुभता उनको। तो ये एक फैशन हो गया है कि देश को बांट कर रखो, ये गलत फैशन है जी, रॉन्ग है। ऑल कलर्स बिलोंग्स टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो अभद्र है, कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो अपमान के वाला है, कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो था। अब कोई भगवे को आतंक कह देता है तो क्या भगवान सूर्य आतंकी है? तो इसलिए किसी भी हरा है तो क्या इसको बैंग इसको क्या नाम है घिया को और तोरी को कहेंगे बंद हो जाएंगी क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या पेड़ के हरे रंग हैं तो वो क्या उनका मजहब कुछ और हो जाएगा? तो वही इसी मानसिकता को खत्म करना चाहिए। इसलिए आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस बात के लिए मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट ऑल कलर्स, डोंट डिवाइड इन द कलर्स। तो कलर रंगों में नहीं बांटिए, अच्छा बुरा भी हो तो भी बुरे को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए जी। तो इसलिए सब रंगों का सम्मान करना, सब रंगों को प्यार का और सौंदर्य का प्रतीक मानना, और सब रंगों से ईश्वर की विविधता को जानना, और यह एक होना चाहिए। इसलिए मैं सारे देश के बुद्धिजीवियों को और जो बहस में आते हैं उनको कहूँगा कि रंगों पर समाज को बांटिए नहीं और रंगों को भी बांटिए नहीं। चलते चलते मेरा लास्ट आपसे सजेशन चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जितने भी डिबेटर्स हमारे उसमें बैठते हैं, प्रवक्ता जो भी हमारे उसमें आते हैं, मैंने आज की डेट में जितने भी हम लोग डिबेट करते हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखता मुझे, वो बहस करके चले जाएंगे मगर सॉल्यूशन नहीं देते। हमारा उत्तराखंड में जोशी मठ में जैसे धरती धस रही है उसमें सॉल्यूशन नहीं देते, तो क्या सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए? वो एक दूसरे पे छिटा किसी करते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, विकास हो रहा था तो इसलिए वहाँ पर धरती धस गई, मतलब इस तरह के सॉल्यूशन। मीडिया से जी पहला निवेदन ये करूँगा कि वो जो बहस के कार्यक्रम चलाते हैं जी उसमें तीन तरह के लोगों को बहस के कार्यक्रमों में सम्मिलित करें, और तीन तरह के, एक सामाजिक सुधार इसकी बहस को चलाएं, दूसरा इतिहास ये जो सभ्यता और संस्कृति है कल्चर, क्योंकि किरदार से आदमी पहचाना जाता अच्छा है कि बुरा है, जाति धर्म दल से नहीं पहचाना जाता, धन से नहीं पहचाना जाता, इसलिए संस्कृति और सभ्यता पर भी से भी करें और राजनीतिक भी ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ राजनीति की बहस के अंदर मर्यादा डाल दें कि अगर बहस करनी है इस पर जी क्या नाम है विकास पर, विकास पर, तो विकास में वो फिर दलों को नहीं घसीटेंगे, विकास के मुद्दों की ही चर्चा करेंगे। तो मुझे ये लगता है अन्यथा फिर आज चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे विकास की हो चाहे खेल कूद की हो, जब वहाँ पर राजनीतिक नेता बैठेंगे तो राजनीतिक नेता का तो एकमात्र टारगेट ये होता है
कि वह दूसरे पर कैसे कीचड़ उछाले, उसको कटघरे में खड़ा करे। आज ये दुर्भाग्य से रास्ता बन गया है बहस का, इसमें बदल आना चाहिए जी, निश्चित रूप से आना चाहिए। और मर्यादा तय कर दें पहले से कि आप एक दूसरे के दल पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, आप अपनी बात कहेंगे, दूसरे की अच्छी लगती है नहीं इच्छा है मानने की तो खाम खामे गाली गलोच नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और एक मर्यादा सबके लिए आनी चाहिए, जो शब्द अयोग्य हैं असभ्य हैं उनका गलती से भी उपयोग नहीं करेंगे, इट इज़ ए बैन फॉर ऑल होना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ता है, वो भी असभ्य होने की ओर बढ़ती है जी। आखिरकार आदमी सीखता किससे है, तो हर छोटा बड़े से सीखता है, तो अगर बड़ों का किरदार सार्वजनिक असभ्य हो जाएगा तो सारा देश ही असभ्य और अपराधी बनता जाएगा जी। और इसलिए आप देखिए कि अपराध कहाँ तक चला गया कि जो लड़का और लड़की, जो माता पिता एक दिन पहले तक एक दूसरे को इतना प्यार कर रहे हैं कि जिंदा नहीं रह सकते, अकस्मात उसका गला घोंट दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, फिर इतना ही नहीं है अब तो ये भी हो गया, चाहे थोड़े केस होंगे पर शुरू हो गए कि फिर उसके 5, 10, 20, 50, 100 टुकड़े भी करके डाल देते हैं, तो ऐसा क्या आदमी के अंदर एक नफरत पैदा हो रही है, एक हिंसा पैदा हो रही है कि वो रात में कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और अगले दिन लाश मिलती है और फिर लाश के टुकड़े मिलते हैं जी, और उनके साथ जिया जा रहा है और दूसरी तरफ प्यार भी बनाया जा रहा है। यह जो मानवता के अंदर गिरावट आ रही है, इसकी में एक बड़ा रोल ये बहस करा सकती है, इसलिए मानवीय जीवन मूल्यों पर चर्चा हो जी, ये घट रहे हैं तो कैसे बढ़ें, इसमें वो राजनीतिक दल और सरकार विषय नहीं लाएंगे, वो बैन है, इसकी चर्चा करें कि सब मिलकर हम अपने देश को सभ्य कैसे बनाएं जी, जीवन मूल्यों वाला कैसे बनाएं, बुजुर्गों के सम्मान वाला कैसे बनाएं, परंतु वो सारी डिबेट सब चैनल पर जी, इट लिमिटेड टू ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। भाई साहब आपका समय में बहुत ज़्यादा ले लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मन तो कर रहा कि मैं और चर्चा करूं, आपसे एकदम सीधी बात करूं, आपको मैंने उकसाने की भी कोशिश करी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और एकदम सीधी बात का फॉर्मेट ही इस तरह का है कि हम जनता के सवाल आपसे सीधा पूछें। जनता के बीच में कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो लोग आपसे नहीं पूछ पाते, तो हमारे माध्यम से वो प्रश्न आप तक पहुँचते हैं। तो आपने बेबाकी से आपने उन सबका जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधी बात में एक चीज जी करवा देता हूँ जी, आगे लोहड़ी और संक्रांति आ रही है जी, विवेकानंद जयंती भी और भी महापुरुषों की जयंती आ रही है, जितने भी तरह के त्यौहार आ रहे हैं शुभकामनाएं हैं, पर मेरा उस पर से समाज रिश्ता कैसा हो, तो गुड़ और तिल मिलाकर खाए जाते हैं तो मिठास और एकता आती है, अगर कहो तो इनको अलग करो तो नहीं कर सकते, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है जी, फिर कहो कि इनको अलग करो तो नहीं कर सकते, तो हमारे त्यौहार उनके पीछे हर एक के एक संस्कार होता है, इस त्यौहार का संक्रांति लोहड़ी का संस्कार है कि हम गुड़ तिल की तरह दाल चावल की तरह खिचड़ी के रूप में स्वादिष्ट भी बने जी, स्वस्थ भी रहे और मन बुद्धि से नफरत हिंसा चली जाए जी, तो मैं देश को यही अपील करूँ। बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया है, बहुत बड़ा मकर संक्रांति के उसमें आपने बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इसी तरह से मिक्सअप रहें और आपकी कृपा बनी रहे सब पे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी, संघ सेवक के वरिष्ठ, अब मैं नेता नहीं कहूँगा, समाज सेवी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बारी सीधी बात में हम किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक रखें अपना ख्याल, धन्यवाद।